दानिश निसार, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम। हमारा ये मसला है कि यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ मतलब दिन पहले डेट शीट निकाला है थर्ड सेम का। इससे पहले हमारा एग्जाम 6 मंथ्स पहले होता था, लेकिन इस साल में इन्होंने 3 मंथ्स पहले हमें एग्जाम के लिए डेट शीट निकाला है। कोई भी कॉलेज इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है। हमारा सिलेबस अभी पेंडिंग है और हमारा सिलेबस इतना है कि आप पूछो ही मत, हम वो प्रिपेयर ही नहीं कर सकते इन 10 दिनों में। इन्होंने सिर्फ गैप एमएसएन के लिए 2 दिन रखा है, उन 2 दिन में हम वो उतना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात यह है कि हमने कॉलेज में भी सारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया है, बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। और ये मसला एक कॉलेज का नहीं है, ये पूरी वैली के कॉलेज का मसला है। सो हम ये चाहते हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। थैंक यू वेरी मच मैम। इससे पहले इन्होंने इससे पहले जो इन्होंने फर्स्ट सेम का एग्जाम लिया था वो इन्होंने 9 मंथ्स के बाद लिया था, तो सेकंड सेम वाला लिया था 7 मंथ्स के बाद। तो ये हुआ था कि हमने इनको जब फर्स्ट मंथ की हम सब विलिंग थे एग्जाम देने के लिए, बट इन्होंने बोला था हमारी साइट हैक हुई है, वो उन्होंने बोला था वो हमारा हेडेक नहीं ना मैम, साइट हैक हुई है वो, उनको हम विलिंग थे एग्जाम लेने के लिए। चलो फर्स्ट सेम में अगर साइट हैक हुई थी, सेकंड सेम में इनका क्या था, उन्होंने 7 मंथ्स के बाद लिया। अब हमें ये बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स में आप एग्जाम दे दो, ये कैसे पॉसिबल है हम 3 मंथ्स में एग्जाम देंगे जब कॉलेज वाले हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो हम खुद कैसे इतना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो भी 10 दिन में। जी कॉलेज अथॉरिटी जब वो वहां पे गए हैं, वो वहां से बोल रहे हैं वो हमारे पास उतना टेंशन नहीं है, एज पर INC हमें 180 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बट सर आप बात एक बताइए, 3 मंथ्स हुए हैं, सपोज 3 मंथ्स हुए हैं, 3 मंथ्स में हमें समर वैकेशन भी हुई है, वो अगर हटा दें, गैजेटेड छुट्टीज भी बहुत सारी हुई है, क्लिनिकल पोस्टिंग हमें ये SCM की ये है एप्लीकेशन, प्रिंसिपल मैन ने इनको साइन करवाया है इस पे, तो पोस्टपोनमेंट के लिए। तो हमारा जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में हमें गैजेटेड हॉलीडेज भी हुए थे, क्लिनिकल पोस्टिंग भी, वैकेशन भी, तो उनको अगर हम एक्सक्लूड करें तो वो कहाँ से 3 मंथ्स आ रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है सर? हमारी डिमांड ये है कि हमें एग्जाम पोस्टपोन चाहिए बाय एनी हाउ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट हाँ बताए आप किस सेम के स्टूडेंट हैं? जी हम BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट इस बात के लिए है कि हमारा इन्होंने परसों जो है डेट शीट निकाला के यू वालों ने, तो एग्जाम के लिए असली जो टाइम है दैट इज 6 मंथ्स, लेकिन हमें 3 मंथ मिले, और 3 मंथ में भी क्या, 1 मंथ क्लिनिकल पोस्टिंग, बाकी वैकेशन वगैरह, दैट मीन्स हमें सिर्फ 1 मंथ प्रिपरेशन के लिए मिला, एंड दैट इज नॉट एनफ फॉर अस। तो हमारा जो सिलेबस है वो इवन हर एक कॉलेज का सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट है, और हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो। स्पेशली बैकलॉग वालों के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको होलीडे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारा एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो। हर एक कॉलेज का स्टूडेंट जो है कोई भी प्रिपेयर नहीं है, एक भी प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला। इवन कॉलेज प्रिंसिपल्स हमें एप्लीकेशन मिली कि हमें इन्होंने ये स्टैम्प डाली प्रिंसिपल लेके पोस्टपोन करो एग्जाम्स को। सो हमारी ये डिमांड है हमारा एग्जाम पोस्टपोन करो टिल एटलीस्ट टिल मिड अक्टूबर तक हमारा एग्जाम पोस्टपोन करो, बस यही हमारा प्रोटेस्ट है यहाँ पे। आपने किसी से बात की? जी हमने कंट्रोलर से बात की। हमारे प्रिंसिपल जो है उन्होंने बात की, और कल भी कंट्रोलर तक बात गई, लेकिन हमें इन्होंने कहा था वेट करने के लिए, कोई रेस्पॉन्ड अभी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर रोज डिले होता जा रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल 15 को कोई डिसीजन आ रहा है, देन 15 को स्टूडेंट्स को कैसे बोल सकते कि आप 20th को एग्जाम देने आ जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है, जिसमें एटलीस्ट मतलब आप मैक्सिमम बोलोगे 12 चैप्टर्स है, और 12 चैप्टर्स में आपको 450 डिजीज मिलती है, उन डिजीज को आपको पढ़ना है, आप ये 5 दिन में या 10 दिन में नहीं कर सकते हैं ना। और हमने कॉलेजेस के मतलब बोला था एडमिनिस्ट्रेशन को, आप जाओ, कंट्रोलर से हमने खुद बात की थी, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। अगर हमें फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्ड मिलता भी है 15th को, देन हमारी कौन सी प्रिपरेशन होगी? आप एक स्टूडेंट के साथ नहीं खेल रहे, आप 450 स्टूडेंट्स के करियर के साथ खेल रहे हैं इससे।
हमारा सबका बैकलॉग आ जाएगा ऐसे, हम क्या ही करेंगे, हमें नेक्स्ट ईयर भी फिर यही पे प्रोटेस्ट करना है अपने बैकलॉग के लिए, और वो हम नहीं कर सकते। हमारी डिग्री में अगर 35 मार्क्स का एड अप हुआ, वो क्या ही हमें कौन सा हॉस्पिटल जॉब देगा। हमने ये, हम कोई नॉन प्रोफेशनल्स नहीं है, हमारा प्रोफेशनल डिग्री है, हमने कल को पेशेंट्स के साथ डील करना है।